मुझसे बड़ा बेवकूफ आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे आ रही है बहुत ज्यादा धूप और मैं कैमरा की ओर देख नहीं पा रही हूँ। लेट्स गो इनसाइड। आपको याद होगा लास्ट संडे मैंने हैंड ग्लव्स का ऑर्डर किया था और कुछ कुछ दो तीन चार आइटम्स मैंने ऑर्डर किया था जिसका डिलीवरी आज अमेजोन पे दिखा रहा था। तो सुबह उठ के मैंने सोचा कि ओके आज तो डिलीवरी आने वाली है, पर मेरे फोन पे कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं जाके अपने मोबाइल फोन में जो अमेजोन का जो ऐप था मैं वो जाके खोला और मैं अपना जो ऑर्डर जो ट्रैक ऑर्डर्स होता है वहां पे जाके मैंने देखा कि मेरा ऑर्डर तो वहां पे है ही नहीं। आई रिफ्रेश्ड इट सो मेनी टाइम, मैंने लॉग आउट करके मैंने फिर से लॉग इन किया पर माई ऑर्डर वॉज नो वेयर टू बी सीन। एंड आई स्टार्टेड रिएक्टिंग कि Amazon has become worst app क्योंकि वो लोग अपने कस्टमर का ऑर्डर ट्रैक नहीं रखते हैं, ब्लाफ ब्लाफ बहुत कुछ बोल रही थी। उसके बाद मेरे सोना भाई ने मुझे याद दिलाया कि मैंने तो अपने मम्मी के फोन से वो ऑर्डर किया था। उसके बाद मैंने मम्मी के फोन से Amazon ऐप खोला। उसके बाद वहां पे जाके मैं जब ऑर्डर ट्रैक कर रही थी वहां भी नहीं था। एंड आई सॉ वो कार्ट में ही पड़ा है क्योंकि जो लास्ट में प्लेस योर ऑर्डर वाला बटन होता है ना, मैंने वो दबाया नहीं था। नंबर वन बुलशिट गाय, नंबर वन। तो मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया, अब वो मई के महीने में आने वाला है, आई थिंक द फर्स्ट वीक ऑफ मई। सो जो चीज के लिए मैं आज एक्साइटेड थी वो मुझे अगले हफ्ते मिलेगा। जब भगवान कुछ देते हैं ना छप्पर फाड़ के देते हैं, क्योंकि महीने पर महीना निकल जाता है जब कोई इनविटेशन नहीं रहता है, किसी का शादी नहीं होता है, किसी का बर्थडे नहीं होता है, कोई पार्टी नहीं होता है। लेकिन जब आता है एक दिन में दो दो शादियों का रिसेप्शन आया है। तो आज शाम को है ऐसा ही एक दिन, दो दो शादी का रिसेप्शन है और हमको नहीं पता कि कौन सा वाला अटेंड करना है क्योंकि एक जो है वो घर के बगल में है और दूसरा जो है वो काफी दूर है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट लाइक 13-14 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई हाउस। तो अभी कैच ये है कि मुझे पता है जो दूर वाला जो है वहां पे खाना ज्यादा अच्छा मिलेगा, जो पास वाला है इट्स लिटिल रॉन्ग टू अज्यूम पर मुझे इतना ज्यादा भरोसा नहीं है। आई डोंट नो। शोना भाई तुम कौन सा शादी में जाओगे? दोनों शादी में जाओगे तुम? इधर आओ शोना भाई, बेस्ट है, वो दोनों में शादियों में जाएगा। लेकिन कौन सा वाला में पहले जाना है? जहां पे जेठू जाएगा, जहाँ पे हम लोग जाएंगे उधर ही जाओगे तुम? हाँ। दोनों शादी में जाओगे तुम? हाँ। दोनों में खा पाओगे इतना ज्यादा? हाँ। तुम्हारा पेटू कितना बड़ा है? बड़ा नहीं है। तो कैसे खाओगे? खा लूंगा। थोड़ा थोड़ा करके दोनों शादियों में खाओगे? नाइस। अभी तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ। स्कूल में क्या करते हो लोग? पढ़ाई करते हैं। ओह, पढ़ाई करते हैं, आई डिडंट नो दैट। वैसे ये देखो नहीं। दिख रहा है। चलो जाओ, बाय, हैव फन एंड स्टे सेफ। लोगों के साथ झगड़ा मत करना, मास्क पहन के रहो। अभी मैं मास्क पहनना पड़ता है क्या स्कूल में पूरा टाइम? कूल। लेकिन ये जो शादी अटेंड करने का जो सिचुएशन है, जाने का तो मन है मुझे भी दोनों में, लेकिन जो दूर वाला है मम्मी पापा वहां पे थोड़ा जल्दी चले जाएंगे, लाइक अराउंड 5:30। लेकिन मेरा ऑफिस से ही आते आते मुझे 7 बज जाता है ऑलमोस्ट। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं ऑफिस से जल्दी निकलूं। मतलब ये ना थोड़ा क्लोज रिलेटिव का वेडिंग है, जो दूर वाला वेडिंग है, लाइक समबडी हु इज अ सॉर्ट ऑफ फैमिली फ्रेंड। तो जाने का मन है वहां पे एक्चुअली, क्योंकि खाना भी अच्छा मिलेगा। तो अभी ना मुझे अपना सिचुएशन नहीं पता क्योंकि डिपेंड्स कि मेरा ऑफिस का टाइमिंग कैसा चलता है। यू नो हाउ इट इज, क्वाइट हैक्टिक क्योंकि मैनेजर्स लोग कभी भी काम दे देते हैं। तो मैं अगर ऑफिस से जल्दी निकल पाऊंगी तो मैं निकलूंगी, अदरवाइज आई हैव टू मिस दैट वन। बट आज रात का खाना तो काफी अच्छा होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि एक ना एक शादी तो मैं अटेंड करूंगी। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। अभी कौन सा वाला जाने को मिलेगा दैट आई हैव टू फिगर आउट। ऑफिस से निकल के अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस के काम के लिए, क्लाइंट ऑफिस में, फॉर सम इम्पोर्टेंट पेपर वर्क। वेल
all the NNTIs, for all the people of Assam, for having such a big establishment for a disease like cancer. And in that sense, actually, I'm going for the client work, back-end work, which needs to be done, which needs to be taken care of. Thank you. एसी में रहने की इतनी गंदी आदत लग चुकी है ना कि अभी थोड़ी सी भी धूप रास नहीं आती है। तो क्या